नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी भोले भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल उन्नति क्रिएटिव प्रोडक्शन पर। नमः शिवाय। गंगाधराय, जटाधराय, नीलकंठाय नमो नमः। भूत प्रेत पर राज करे जो शंकराय नमो नमः। धरता धरता सब ही तू है, सबका तू है, सब में तू है। तू ही तू कण कण में बसता, शरण तेरी में हर कोई हंसता। तेरा जाप है जो भी करता, उसकी तू है झोली भरता। दर तेरे मैं जब भी जाऊँ, एक नाम हर पल दोहराऊं। देवो के देव महादेव है शंकर, बोले कभी कभी रूप भयंकर। नाम में तेरे मगन में रहता, देव ना तुसा हर कोई कहता। नाम तेरे से चलती धरती, आदि शक्ति तेरी पूजा करती। अपने जोड़ा साथ साथ रहा तू, संग मेरे हर राह चला तू। भूत प्रेत तेरी पूजा करते, चरणों में तेरे शीशों को धरते। आदि अंत ना कोई है तेरा, सब पे बसता भोला मेरा। आज हम बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और आज अपने साथ साथ आपको भी दर्शन करवाते हैं बाबा बैजनाथ धाम के। अगर आप बाबा बैजनाथ धाम से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट जानकारियों को पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आप आने वाले सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं बाबा बैजनाथ धाम परिसर के अंदर और करवाते हैं आपको हमारे बाबा के दर्शन। बोलिए हर हर महादेव। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम, जो एक शक्तिपीठ भी है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं विष्णु भगवान ने की। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा बैजनाथ धाम की पावन भूमि यूं तो दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि यह वही पवित्र जगह है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवघर में शिव से पहले शक्ति का वास है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के सब को लेकर तांडव कर रहे थे, उस वक्त भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से देवी सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। मान्यता के अनुसार इस अंग का यहाँ देवताओं द्वारा विधि विधान पूर्वक अग्नि संस्कार किए जाने के कारण इसे चिताभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपका नाम क्या है? सूरज। आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी। तो आपने ऐसे बताया, अभी इसके बाद आप वहाँ पे गए थे बासुकीनाथ धाम पे। हाँ। तो वहाँ का इस समय क्या माहौल है? अभी सही है, इतना रश नहीं है, आराम से जा सकते हैं, निकल सकते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग कांवड़ लेके बाबा के धाम पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे हरिति वन, चिताभूमि, रावणेश्वर कानन, हारपीठ और कामना लिंग। यह शिवलिंग रावण की भक्ति का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले आने का वरदान मांग लिया। महादेव ने इसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊँगा और नहीं उठूँगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस
समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आशमन के लिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आशमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका के लिए चला तो देवघर के पास ही उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चले गए। कहते हैं उस बेजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसी वजह से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वक्तोदित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ा कर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान है। बाबा बैजनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदयपीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पर शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों के आशीर्वाद मिलते हैं। जिसके मस्तक पे चंदा है और जटा से बहती श्रद्धालु बताते हैं कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और दूसरा पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। हम लोग बाबा राम के अंदर जाने के लिए प्रसाद की थाली लेने आए हैं। भैया कैसे? भैया आपका नाम? दीपक फलहारी। अच्छा, यहाँ पर जो लाइन लगी है कितनी देर लाइन चलती है? सुबह 4 बजे से जनरल लाइन स्टार्ट हो जाती है। हाँ, उसके बाद 6 बजे से सिर्फ दर्शनम पास मिलना स्टार्ट होता है जी। और जैसे भीड़ होती है जी, उसके अकॉर्डिंग लाइन। ये जनरल लाइन में लगभग कितना घंटा जल चढ़ाने में लाइन लग गया पूरा? 4 से 5 घंटा जनरल में लगेगा और शिव दर्शनम में 1 घंटा लगेगा। और जो शाम की आरती के समय और श्रृंगार का जो समय है
उसके बारे में कुछ जानकारी आपको है? शाम का श्रृंगार जैसे है और आरती 7:30 बजे से स्टार्ट होती है। अच्छा, जैसे मंदिर बंद होगा जलार्पण होने के बाद उसके 1 घंटे के बाद श्रृंगार के लिए पट खुलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमने ये भी सुनी है कि यहाँ पे जल जो चढ़ाया जाता है बिना खाए पिए, कि ऐसा कुछ यहाँ का मतलब मेन मान्यता है या कुछ ऐसा कुछ है? देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में जी, कहीं भी कोई भी शिवलोक में, कोई भी धाम में या कोई भी ज्योतिर्लिंग में बिना खाए पिए उसको शुद्ध मानते हैं शरीर जी। फिर अगर खा लिए आप कुछ, पूजा करने से कोई फायदा नहीं। इस धाम से जुड़ी हुई ऐसी बात जो किसी को मालूम ना हो, ये सबसे पहले विद्यापीठ जो ये शक्तिपीठ है। हाँ, शक्तिपीठ है। ज्योतिर्लिंग से पहले ये शक्तिपीठ जी, माता का हृदय गिरा जी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ माता का हृदय है वहाँ तो बाबा विराजमान होंगे ही। माता का हृदय में बाबा विराजमान है, विद्यापीठ के साथ ये ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे माता का जो हृदय गिरा हुआ है यहाँ इस एरिया में 3 किलोमीटर दायरे में, ये चिताभूमि में 3 किलोमीटर एरिया में यहाँ पे खुदाई नहीं होती है। 3 किलोमीटर खुदाई नहीं होती? हाँ, जुताई हल जो हल को यहाँ पे जोता नहीं जाता। क्यों? क्योंकि माता के हृदय कैसे आप जोड़ती है, माता का हृदय आप कैसे जोत सकते हैं? तो यहाँ पे 3 किलोमीटर में जुताई नहीं होती है। दुनिया में 2.5 जगह मसान माना गया है, एक काशी विश्वनाथ, एक यहाँ आधा आप है वेस्ट बंगाल में तारापीठ, वो भी एक शक्तिपीठ है। अच्छा, ठीक है, वहाँ भी ये 2.5 आधा मसान वहाँ पे है जी। 2.5 जगह ये मिल के दुनिया में विश्व में 3 जगह मसान माना गया है। कैंपस में टोटल 22 मंदिर है, 22 मंदिर में बाबा माता पार्वती काली मंदिर है, संध्या माता है, बगलामुखी है जी, 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 जी। काल भैरव है, आनंद भैरव है, अन्नपूर्णा माता है, लक्ष्मी नारायण माता है, जगत जगनी माता है, राम मंदिर है, सब मिला के 22 मंदिर है। एक ऐसे मान्यता ये भी है कि जो बाबा धाम में जल चढ़ता है वो सुल्तानगंज से ही उठाया जाता है, ऐसा क्यों? कि सुल्तानगंज की गंगा जी से ही हम लोग जल उठाएंगे और बाबा धाम के ऊपर चढ़ाएंगे? जब यहाँ पे बाबा स्थापित हुए श्री राम जी के द्वारा जी, सबसे पहले कावर लेके बाबा को यहाँ पे सुल्तानगंज से ही अर्पित किया, तब से जो पता चलती आ रही है वो गंगा जी से। क्योंकि हम लोग ने बहुत कुछ ऑनलाइन देखा है लेकिन ये हम लोग को कहीं भी सुनने को नहीं मिला कि स्वयं श्री राम जी ने वहाँ से जल उठाया था, तब से ये मान्यता चली आ रही कि हम लोग सुल्तानगंज से जल चढ़ाएंगे, उठाएंगे और यहाँ चढ़ाएंगे, ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जो हम लोग बासुकीनाथ जाएंगे, अभी आपको दर्शन भी करवाएंगे वहाँ के, तो वहाँ भी शिव और शक्ति का मिलन होता है, साथ ही साथ वहाँ बाबा का दरबार भी लगता है। ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति का वास मिलन बाबा बैद्यनाथ, यही एक ऐसा धाम है जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों, यही एक धाम है, यही एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ बाबा मिलन होता है, बाबा और पार्वती एक साथ में विराजमान है जी। 12 ज्योतिर्लिंग में ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बीच में 12 बाबा विराजमान है, पूर्व में माता पार्वती है जी, पश्चिम में है बगलामुखी जी, उत्तर में है माँ काली जी, और दक्षिण में है जगत जननी जी, जी जो है चारों तरफ से बाबा को माता घेरे हुए हैं कि बाबा इधर उधर जा नहीं सके, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बड़े भाई, बाकी हम आपसे भी और जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा अपने जो भी दर्शक हैं उनको हम आसपास का वीडियो दिखा दें, उसके बाद मैं आपसे और जानकारी प्राप्त करता हूँ। हर हाल महादेव, दीपक पराई जी ने हमको कई अच्छी जानकारी भी दी है, और यहाँ के धाम से रिलेटेड कोई और भी अच्छी जानकारी होगी तो मैं यहाँ से प्राप्त करके आप लोग के समक्ष जरूर उपस्थित करूँगा। हर हाल महादेव। अभी हम लोग सुबह 7:20 पर लाइन पे लगे हुए हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कितना टाइम लगता है जल चढ़ाने में। मुझे प्यार है तुझसे शिव महादेवा, शिव महादेवा, रग रग में बसे है शिव महादेवा, शिव महादेवा, शिव महादेवा, ऊंचे ऊंचे मंदिर पे
हर महादेव। तो हमारे साथ थे बाबा बैजनाथ धाम से निखिल भैया, जिन्होंने हमको यहाँ पे बहुत हेल्प की है दर्शन करवाने से लेके हर चीज की। तो आप लोग को भी अगर बाबा बैजनाथ धाम आना हो तो मेरा नंबर है 8092653379, हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके मेरे से आ सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा कराएंगे, इन लोगों को पूजा कराएंगे, ये लोग खुद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा इन लोगों को पूजा कराएं। बाकी हमारे भाई को जो है आप लोग सपोर्ट करो, ये लोग ये बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग करते हैं, अच्छा अच्छा जगह जाते हैं, तो इनको सपोर्ट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को भेजो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश के नौजवान लोग, हमारे देश के आदमी लोग कितने मेहनत कर रहे हैं, भारतवासी लोग। तो हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ, जय हिंद। हम बोले।